चेतन वनराज महाजानी ने लिखा है कि क्या जीवन में पीछे देखने से ये समझना चाहिए कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ? नहीं, ये ज़रूरत नहीं है कि तुम अपने जीवन को जब लौट कर देखो रेट्रोस्पेक्शन में, उसका एक अवलोकन करो, तब तुम ये मानो कि सब अच्छा हुआ। बेहतर ये है कि तुम ये देखो कि जो हुआ सो हुआ, जो हुआ वैसा ही हो सकता है, और कोई विकल्प नहीं है। जो हुआ वो एक कहानी थी, अच्छी थी या बुरी थी, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इस क्षण तुम उससे अलग हो, तो जब इस क्षण अपने जीवन को देखो तो उसको एक कहानी की तरह देखो और उसको गुजर जाने दो, उससे अटैचमेंट मत रखो। अगर ये मानकर चलोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, बुरा कहाँ से लाएंगे? कई लोगों को ये स्ट्रगल पड़ जाता है, जीवन में कुछ भी हो जाए वो कहेंगे नहीं, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, इससे कुछ अच्छा ही होगा। तो कई बार विभीषिका इतनी बड़ी हो जाती है कि व्यक्ति कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, परप्लेक्स्ड हो जाता है, बिल्कुल समझ नहीं पाता कि भी इससे बुरा क्या होगा जो ये कहा जा रहा है कि चलो कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। नहीं, जो जैसा है वैसा ही है, उससे डिटैच रहें, उससे अपने को बहुत आइडेंटिफाई ना करें। ये देखना तुमको ज़्यादा सहज बनाएगा, ये देखना तुमको ज़्यादा मुक्त करेगा, ये देखना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। तो जब भी रिट्रोस्पेक्शन में या लौट कर जीवन को देखें तो उसे एक कहानी की तरह देखें। वो एक कहानी है, तुम्हारी या किसी की नहीं, बस एक कहानी है, जैसी है वैसी है। उस क्षण पूरा अस्तित्व वैसा ही चाहता था, इसलिए वैसा हुआ। Thank you.